एवरीवन, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा व्लॉग्स। और अभी मैं नहा कर आ चुकी हूँ ऊपर पूजा करने के लिए, तो सोचा चलो वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। बस ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। सो गाइस, मेरी पूजा पाठ जो है वो हो गई है। सो गाइस, पूजा जो है वो हमारी कंप्लीट हो गई है और अभी मैं चल रही हूँ नीचे। और आज का जो प्लान है, तो आज हेयर वॉश किया है इसलिए बाल को ओपन कर लेती हूँ। बाल ऐसे ही ड्राई हो जाएंगे, तभी नीचे चल के ब्रेकफास्ट वगैरह करूँगी। एंड उसके बाद आज मैं करने वाली हूँ एक मेकअप वीडियो, तो उसकी भी प्रिपरेशन करनी है। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं और कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस, आप देख सकते हो मेरे पीछे जो है वो सारा सामान फैला हुआ है, क्योंकि अभी मैंने मेकअप नहीं किया, सिर्फ सारी चीज़ें निकाल के रखी है। उसी में एक से डेढ़ घंटा लग गया, हेयर वगैरह बना लिया, अभी चूड़ियाँ वगैरह सब पहन रखा था, पर टाइम बच गया, डेढ़ बज गए हैं और अब मुझे बनाना है लंच। तो अगर मेकअप में लग जाऊँगी तो फिर लंच कैसे बनेगा, तो अभी मैं लंच प्रिपेयर कर रही हूँ। तो देखो गाइस, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है एक मेकअप वीडियो बनाने के लिए, और जहाँ तक कि मुझे लग रहा है मेरे बाल भी सही से नहीं बने हैं, तो इनको भी अब फिर से ओपन करूँगी, उसके बाद दोबारा से मैं अपने बाल बनाऊँगी। चीज़ें नहीं मिलती हैं, चीज़ें ढूंढ ढूंढ के एक एक चीज़ निकालना पड़ता है, क्योंकि मैं डेली मेकअप तो करती नहीं हूँ, तो चीज़ें ढूंढ ढूंढ के निकालने पड़ते हैं, अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग सारी तैयारियाँ करनी पड़ती है, तो बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज़ अगर आप लोग मेरी मेहनत को सपोर्ट करोगे, मेरी नहीं, सिर्फ मेरी नहीं, मैं कहूँगी जितने भी यूट्यूबर्स हैं उन सब की मेहनत को आप इतना सभी सपोर्ट करोगे तो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि आप लोग बड़े यूट्यूबर को तो सपोर्ट करते ही हो, पर कभी हम छोटे यूट्यूबर को भी सपोर्ट करके देखो, और आप ट्रस्ट मी गाइस, आपको जितना अच्छा मुझे लगेगा उतना ही अच्छा आपको लगेगा, क्योंकि हम लोग जो खुश होते हैं, एक व्यू अगर बढ़ जाता है ना तो हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। एक अगर कमेंट आ जाता है तो बहुत अच्छा लगता है कि फलाने लोगों ने मुझे कमेंट किया है, तो अच्छा लगता है। और तो बस यही है, तो अभी ये सारे काम कर लेती हूँ और अभी लंच बना रही हूँ। लंच में बना रही हूँ चने की दाल और परवल की सब्जी, तो उसकी छोटी मोटी सी रेसिपी शेयर करूँगी। चलिए कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद लंच बनाने के बाद मेकअप करूँगी। यहाँ पे मैंने राइस चढ़ा दिया, यहाँ पे कुकर में मैंने चने की दाल चढ़ा दी है। सो गाइस, ये है परवल और ये गोल वाली परवल है, तो इसी की बनती है, तो इसको मैं पहले छील लेती हूँ, उसके बाद मैं दिखाऊँगी। मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई, तो यहाँ पे मैंने प्याज भूना है, इसमें जीरा का तड़का लगाया है, उसके बाद मैंने प्याज को गोल्डन ब्राउन होने दिया, उसके बाद मैंने इसमें डाला है हल्दी पाउडर, लहसुन अदरक का पेस्ट और नमक। और यहाँ पे हमने परवल को फ्राई किया है, जिसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ जीरे का तड़का लगाया है, नमक डाल के इसको सिर्फ फ्राई कर लिया है। ये देखो, इधर दाल जो है वो हमारी कुक हो चुकी है, आप देख सकते हो। दाल को बस इतना कुक करना है, बिल्कुल तो जैसे हम दाल बनाते वैसे नहीं, बस ऐसे कि उंगली डाले, बस ये दब जाए। इसे बेसिक मसाले डालेंगे, और दाल मैंने थोड़ा सा ज़्यादा कुक कर दिया था, क्योंकि इसको मैं दाल वाली पूड़ियाँ बनाऊँगी, क्योंकि अभी नहीं बनेगा, थोड़ी देर बाद बनेगा, मतलब रात को ही अकल बनेगा। हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, इसको मैंने परवल डाल दिया लाल मिर्च डालने के बाद, तो गाइस अब हमारा जो परवल और प्याज दोनों ही अच्छे से भून गया, उसके बाद हम ये जो दाल है वो डाल देंगे, इसमें अभी गरम मसाला वगैरह डालेंगे। तो
मेरा जो गरम मसाला और जीरा और काली मिर्च, मैं तीनों को साथ में ही पीस कर रखती हूँ। और जिस सब्जी में मुझे गरम मसाला नहीं डालना होता उसके लिए काली मिर्च और जीरा अलग एक साथ पीस कर रखती हूँ। डाल देते हैं सिंपल सी रेसिपी है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, कभी आप बनाकर खाना तो बहुत ही अच्छा लगेगा। गाइस आप देख सकते हो कितना टाइट कर्ल इसने दिया, कितने अच्छे से मेरे बालों को इसने कर्ल किया है। इधर मैंने कर्ल्स को ओपन ऐसे से कर लिया है, इसलिए इधर लाइट कर्ल है और इधर डार्क कर्ल है। आप देख सकते हो कर्ल बहुत ही अच्छे से ये बालों को कर्ल करता है। दो दिन बाद कारपेंटर भैया आए हैं और ये देखिए आज बस ये वाला जो पल्ला जो नहीं लगा था वो उन्होंने अटैच कर दिया है। और ये पता नहीं किस चीज़ के लिए है और ये अभी तक उन्होंने ठीक नहीं किया है। और ये सब ड्रॉअर वगैरह है जो कि लगा दिया है उन्होंने। एंड यहाँ पे ड्रेसिंग आईना बनेगा, ड्रेसिंग टेबल, तो उसके लिए अभी कटिंग हो रही है। यहाँ पे जाएगा ड्रेसिंग टेबल, तो उसके लिए अभी यहाँ कटिंग हो रही है। तो बस अभी सुबह से इतना ही काम हुआ, बहुत ही स्लो मो में काम करते हैं ये। अभी तो गए हुए हैं लंच करने के लिए और बहुत ही स्लो मो में काम करते हैं, बिल्कुल भी फास्ट काम नहीं हो रहा। बीच बीच में दो दिन गायब है, स्टार्टिंग में भी सामान ला कर दो दिन गायब हो गए थे और कल और परसों भी नहीं आए थे, तो जिसके कारण काम अटक जा रहा है। पूरा घर ऐसे नैसी नैसी सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो मेरा यह है कि जल्दी से काम ख़त्म हो और जल्दी से चीज़ें मैं ऑर्गेनाइज करूं। और अभी जा रही हूँ छत पे कपड़े डालने के लिए। अभी मैं आई हूँ छत पे कपड़े डालने के लिए और सुबह से थोड़ा लो फील कर रही थी क्योंकि थोड़ी सर्दी जुकाम सी हो रही है। और फेस देखो कितना अच्छा लग रहा है यार, नो मेकअप पे भी इतना अच्छा फेस लग रहा है। और छत पे मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, ये देखो कितनी हवाएं चल रही है। मैंने सोचा कि मैं दो तीन रील्स बना लेती हूँ, बट हुआ क्या कि मेरा नेट ही ख़त्म हो गया है, तो रील्स तो नहीं बनेंगे। तो सोचा इंजॉय ही कर लेती हूँ खुले माहौल में। बाल बड़े उड़ रहे हैं, बांध लूँगी। और सोच रही हूँ कि बट सावित्री की जो प्रिपरेशन है वो कर लेती हूँ, शाम को मार्केट जाके सामान ले आते, देखते हो पाता है या नहीं। कोशिश करूँगी कि चली ही जाऊँ क्योंकि चार दिन मात्र टाइम है, और ले आऊँगी तो अच्छा रहेगा पहले से, नहीं तो मार्केट में भीड़ हो जाएगी, फिर टाइम मिले या ना मिले। तो इससे अच्छा ये है कि आज थोड़ा सा टाइम है मेरे पास क्योंकि घर के सारे काम हो चुके हैं, और पहले से रेडी हो जाऊँगी कारपेंटर भैया के जाने से पहले। उसके बाद मार्केट से फटाफट से सामान लेके चले आएंगे। वैसे ज़्यादा कुछ तो लाना नहीं है, दो चार चीज़ें ही हैं जो कि लाने हैं, तो वो सब ले आऊँगी। तो देखते हैं, जाऊँगी तो डेफिनेटली शेयर करूँगी। मेरा दूध उबल रहा है क्योंकि जैसा कि मैंने बोला कि मुझे सर्दी सर्दी लग रहा है और गला वगैरह जो है वो ऐसे इरिटेबल सा हो रहा है। तो आज मैंने सोचा कि आज मैं प्रोटीन नहीं लूँगी, आज जो है वो मैं हल्दी वाला दूध ले लेती हूँ। तो हल्दी वाला दूध बना रही हूँ जिससे कि गले में जो है वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, फिर मेरा सर वगैरह भी थोड़ा सा पेन हो रहा है तो वो भी थोड़ा सा सही हो जाए। अभी डिनर बनाते हैं। नहीं
सो गाइस अब बारी आ गई फाइनली इस ब्लॉग को एंड करने की। तो आप देख सकते हो बालों में मैंने हैवी ऑयलिंग की हुई है क्योंकि आज मैं हेयर वॉश करूंगी और आज कल है बट सावित्री पूजा। तो आज मैं सोच रही इस ब्लॉग को एंड कर दूँ। अब ब्लॉग को एंड करने के बाद मैं न्यू ब्लॉग स्टार्ट करूँ जो कि बट सावित्री प्रिपरेशन ब्लॉग होगा। तो आज मैंने हेयर वॉश किया क्योंकि सारी तैयारियां करनी है इसलिए। तो कल सुबह में ही पूजा है तो सारी तैयारियां मुझे आज ही करके रखनी होगी। आज मुझे मेहंदी वगैरह सब लगवानी है। अभी मेरी आंतें सुनी सुनी है तो एक डेढ़ घंटे में मेहंदी के लिए मैंने किसी को बोल रखा है तो वो आके मुझे मेहंदी लगा देंगी। तो सब कुछ शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ जो कि बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कर लेना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि आपको मेरे अच्छे अच्छे ब्लॉग्स दिखे और आप देख पाओ, एंजॉय कर पाओ। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।